नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस जींद में मौजूद है और जैसा कि दर्शकों के साथ कमिटमेंट करके चलते कि हर बार किसी न किसी खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे, तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष की हम बात करते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के विजयपाल मघान जी। विजयपाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संसार क्रांति के कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपका अपने ऑफिस में आने पर संसार क्रांति की पूरी टीम का जी तहे दिल से धन्यवाद हूँ और आपका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। विजय जी, अब यहीं आपके जींद विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, अभी चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, यदि कहीं ना कहीं पार्टियों के नेता निकल कर के आ रहे हैं, कोई कांग्रेस से, कोई इनेलो से, कोई बीजेपी से, और उनका कई वजह से कांग्रेस पार्टी का भी अलग अलग दिग्गज नेताओं का कहना है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं हार के कारण ही चुनाव को आगे से आगे समय दे रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में ये जो दूसरे अपोजिशन की पार्टियां ये सिर्फ अफवाह फैला रही हैं। जी सर, देश का जो संविधान है उसके मुताबिक ही सरकार को इलेक्शन करवाना पड़ेगा और कोई भी अगर विधानसभा का ऐसे मिस हैपनिंग होती है जैसे हमारे डॉक्टर मिड्डा जी हमें छोड़ गए हैं, तो ये भारत सरकार के इलेक्शन चुनाव आयोग का ये जिम्मेवारी है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ चुनाव कराता है। तो इसमें बीजेपी का चुनाव ना कराने की नीयत नहीं है या कांग्रेस वाले कहते हैं जी चुनाव जरूर कराओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो नियम है उसके मुताबिक चुनाव तो करवाना ही पड़ेगा। जी सर, आप जेडीयू पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, तो ऐसे में आपका विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 2019 में, आपकी पार्टी की तरफ से मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? हमारा मुख्य एजेंडा शराबबंदी का है, जैसे हमने बिहार में एक कामयाब शराबबंदी की है, उसके अलावा सामाजिक न्याय के साथ विकास। अगर आप आज के दिन देखेंगे तो पूरे देश के अंदर बहुत तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन बिहार प्रांत का जो विकास है, बिहार का जो ग्रोथ रेट है, वो पूरे देश की ग्रोथ रेट से आज के दिन बहुत ज़्यादा आगे है जी। तो वही है सामाजिक न्याय के साथ विकास, और शराबबंदी हमारा मुख्य मुद्दा है। बाकी बिहार मॉडल पे ही हम चाहते हैं कि पूरा देश आगे बढ़े। नीतीश कुमार जी की नीतियों के बारे में आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा उनके बारे में जानता है। बिल्कुल, जैसे वहाँ महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में वहाँ कर दिया गया है। जी सर, कोई भी बच्ची अगर घर में जन्म लेती है उसकी जन्म से लेकर के और उसकी शादी तक 54,000 रुपया डिफरेंट फेजेज में उसको दिया जाता है। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 4-4 लाख रुपए का हायर एजुकेशन के लोन दिया जाता है, अगर वो लोन वापस नहीं कर पाते, मान लो कि उनको नौकरी नहीं मिलती, तो सरकार उनका लोन वापस करती है। बिल्कुल सर। इसके अलावा जो SC ST BC क्लास के जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट में HCS जैसे अपने PCS सर्विसेज हैं, IAS सर्विसेज में हैं, जो उसका प्रिलिमिनरी क्लियर करता है उसको 50,000 रुपया हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब मेन के तैयारी के लिए दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए भी पॉलिसी है और वो सब पॉलिसीज़ बिल्कुल क्लियर है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए वहाँ है, एग्रीकल्चर के लिए बिहार सरकार जी खेती करने से पहले, जैसे अभी किसी ने बिजाई करनी है, गेहूँ का सीज़न आने वाला है, तो उसके लिए बीज खाद डीजल के लिए भुगतान पहले ही कर देती है। जी सर, मतलब कि जैसे अब आपको चाहिए पैसा सरकार पहले दे देती है। जी सर, तो वही पॉलिसी हमारी ये है की तरफ से रहेगी। हाँ, हरियाणा में अभी हम पूरा यही मुद्दे लेकर के चलेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है आज के दिन अगर आप हरियाणा में जाओगे सबसे बड़ी समस्या शराब की है। जी सर, किसान आत्महत्या कर रहा है शराब के कारण, बीमार हो रहा है शराब के कारण, मजदूर बीमार हो रहा है, किडनी गुर्दा कैंसर जितनी भी सैकड़ों किस्म की बीमारियाँ हैं, रोड एक्सीडेंट हैं, और रेवेन्यू का इतना लॉस हो रहा है शराब के कारण, वो मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा। जी सर, यहीं सर, अब जैसे उपचुनाव की हम बात करते हैं, यदि जींद में अब ये उपचुनाव होगा तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से विधायक जो उम्मीदवार है, क्या उसको राजनीतिक मैदान में उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी इस इलेक्शन में इस इलेक्शन के माध्यम से हमें अपने पार्टी का जो मुद्दा है, जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं, वो लोगों के बीच में लगाने का मौका मिलेगा। और हम निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति जो हमें ये एफिडेविट देगा कि मैं शराब और पैसा चुनाव में नहीं बांटूंगा पब्लिक को, वोटर को, उसको हम टिकट दे करके और चुनाव में ज़रूर उतारेंगे। बिल्कुल सर, तो क्या सर संदेश देना चाहेंगे आप
अभी जैसे 2019 विधानसभा में चुनाव होने वाला है और अभी उपचुनाव होने वाला